आज दिनांक 3 जुलाई 2022 को श्री अशोक कुमार सर, IPS पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड द्वारा नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित श्यामा गार्डन में जनता के साथ संवाद तथा वार्ता की गई। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड द्वारा सभी की समस्याओं को सुना गया तथा समस्या का त्वरित निस्तारण करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित श्री पंकज भट्ट SSP नैनीताल द्वारा उठाई गई समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने के लिए आश्वस्त किया गया। पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा उत्तराखंड ट्रैफिक वॉलंटियर के वॉलंटियर्स को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए सराहना दी गई और अंत में अशोक लीलैंड के प्रतिनिधि द्वारा अमेरिकन सिग्वे नामक स्कूटर को उत्तराखंड पुलिस को रात्रि गश्त करने के लिए समर्पित किया गया तथा उत्तराखंड पुलिस को स्मार्ट पुलिस बनाने के लिए विशेष जोर दिया गया। उत्तराखंड पुलिस माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन, जो स्मार्ट पुलिस का विजन है, उस पे कार्य कर स्मार्ट पुलिस अधिकांश लोग नहीं जानते। आप सबको देखने में स्मार्ट ऐसा नहीं, स्मार्ट का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उस पर 5 चीजें जुड़ी हुई है। एस माने स्ट्रिक्ट सेंसिटिव, जो पुलिस स्ट्रिक्ट भी होनी चाहिए और सेंसिटिव भी होनी चाहिए। हम लोग अपराधियों के प्रति सख्त हैं और पीड़िता के लिए संवेदनशील है, उनकी समस्या सुनते हैं, उनकी समस्याओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुलझाते हैं। ये हमारा कार्य है। इसी तरह से एम का मतलब है मॉडर्न और मोबाइल। आधुनिक पुलिस साथ ही साथ उसकी मोबिलिटी अच्छी है। तो हमने आपने देखा होगा 100 वाहन हंस फाउंडेशन के लिए 100 स्कॉर्पियो, उससे हम लोगों ने हाईवे पेट्रोलिंग, सिटी पेट्रोलिंग सब पे व्यवस्था को बढ़ाया है। तो हमारी मोबिलिटी बढ़ी है, जिससे हम जनता की और अच्छी सेवा कर सकें। फिर आगे एक्टिव एंड अकाउंटेबल, एक्टिव भी हो पुलिस और अकाउंटेबल भी हो, जवाबदेह भी हो। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसमें कुछ कार्रवाई भी होती है। आप लोगों को शायद ही आइडिया होगा, 1 साल में 300 पुलिस सस्पेंड होते हैं, इतनी ज्यादा जवाबदेह है हमारे। तो पुलिस वाला गलती करता है तो उसको हम माफी नहीं देते। अगला इसके लेटर आर रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्सिबल, मतलब जवाब रिस्पॉन्स चाहिए, टाइम से रिस्पॉन्स चाहिए। हमारा टाइम रिस्पॉन्स का टाइम सबसे अच्छा होना चाहिए। हम लोगों ने जब से गाड़ियाँ लगाई हमारा टाइम 10-12 मिनट का होगा किसी भी घटना में पहुँचने का। वो ठीक है, ट्रेनिंग वही ट्रेन और टेक्नोलॉजी से है, पुलिस हो उसका ट्रेनिंग अच्छा हो और वो टेक्नोलॉजी में भी देश की सर्वोत्तम पुलिस हो, ये हमारा कार्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो समाज के जितने पैरामीटर्स हैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे मॉल रोड पे नैनीताल में हम लोग थोड़ा बीच में लेके आना है इसके सेंटर में। ये माननीय महोदय का आइडिया था कि हम लोग एक स्मार्ट पुलिसिंग करें करके, तो इस तरह हमारे स्मार्ट पुलिसिंग ये अशोक लीलैंड की तरफ से हमको ये 2 लाख रुपए में एक आती है। अमेरिका मॉडल है, अभी अमेरिका से हमने कस्टम पेड करके अमेरिका से मंगवाया इसको, 2 लाख रुपए की एक है। तो मॉल रोड पे हम लोग नैनीताल में करेंगे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। देखा कि वो माचिस की टिड्डी में लड़कों से मोटरसाइकिल में आता है, लेबर क्लास का आदमी माचिस की टिड्डी में उनको लड़कों से पैसे लेता है और माचिस की टिड्डी फेंक देता है और वो थोड़ी देर में लड़के माचिस की टिड्डी उठाते तो उसको पता लगा कि वो नशा है। वो हमसे एडवांस कर रहे तो बोलते से निवेदन करो कि नशे के व्यक्ति या तो सिविल में भेजें उनको, इसमें पूरी रैगिंग की जाए, नहीं तो हमारे ये उत्तराखंड जो है पूरा घर में चले जाएगा। बहुत मौतें हो रही है, कई परिवार अपनी मौतों को नहीं बता पा रहे हैं बच्चों की, और वो 18 साल से 17 साल से 30 साल के ऊपर। कल भी शायद एक मौत हुई है संवेदनशील इस शहर में, मैं बताना चाहूंगा कि वो नशे के कारण भी क्यों हुई, नशा कहाँ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो उन लोगों को हायर कर रही है, बहुत बड़ा रैकेट है। बोले से निवेदन करूंगा और सब चीज होगी, जो युवा जिंदा रह गए देश में तो सब कुछ होगा। वो माताएं रो रही हैं जिनके इकलौते बच्चे मर गए हैं, इकलौते लड़के मर गए हैं, और इसलिए जो है महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बात पर
फुटपाथ है, उस फुटपाथों पर लगभग ठेले वाले और वेंडर बैठ जाते हैं, तो महोदय उनको जो है स्टार्टिंग से हटाया जाए। थोड़ा जो जिस क्षेत्र में जो भी पुलिसकर्मी हैं जो लोगों को गिर रहे हैं, होता क्या है कि वो एक दिन थोड़ा ठेला लगाता है, दूसरे दिन बड़ा लगाता है, और तीसरे दिन फिर किसी जो है बहुत बड़ा शहर में फुटपाथों पर चलना दुभर हो गया, फुटपाथों में बहुत दिक्कत। दूसरा वेरिफिकेशन लाभ, वेरिफिकेशन पे यह है कि कई लोग जो है मकान में किराए पर आए हैं और वो संवेदनशील स्थिति में है, चाहे वो स्पर्श सेंटर पे जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, वो संवेदनशील है, वो रहते हैं किसी मकान पे, उनका वेरिफिकेशन भी नहीं होता पूर्ण रूप से, तो वो कारण से वो स्पर्श सेंटर पे रह रहे हैं, और ये ऐसी कई समिति जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए लोगों से निवेदन है कि इस पर ध्यान दीजिए। दो महीने पहले हम लोगों ने एक अभियान चलाया था जिसमें हमने बाजार से पूरा ठेला तकरीबन सब खत्म कर दिया था। उसके बाद क्योंकि नैनीताल में ट्रैफिक सीजन बहुत ज़्यादा चला, उसमें पब्लिक से भी हमें बहुत सहयोग मिला था, व्यापार मंडल का भी सहयोग मिला था, जिसकी वजह से बाजार में बिल्कुल एकदम साफ कर दिया गया था और एक जोन बना दिया गया था। ये अभियान हमको दोबारा शुरू कर रहे हैं, लेकिन मेरा भी आप लोग से एक अनुरोध है कि पुलिस बार बार उसको खाली कराती है, तो फिर उसके बाद कम से कम जनता को भी सहयोग करना चाहिए कि वहाँ से दोबारा ना लगे। वहाँ पर अगर एक बार हमने खाली करा दिया उसके बाद 24 घंटे बाद पुलिस खड़ी भी रह सकती है, इसमें जनता को अवेयरनेस जरूरी है कि वो उसको भी फायदे जो हमारा सहयोग करें। इसमें हम लोग दोबारा से अभियान चला रहे हैं और उसके बाद हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग उसमें पूरे सहयोग करेंगे। जो हमको पड़ता है उसमें जनता को भी साथ हो रहा है, जनता का पुलिस बनने